जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं बुधवार के दिन भगवान गणेश की कथा। बुधवार का दिन भगवान गणेश का दिन माना जाता है। भगवान गणेश सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। भगवान गणेश जो कि विघ्नहर्ता कहलाते हैं, मंगल करता है जो कि सभी अपने भक्तों की सभी कार्य को सिद्ध कर देते हैं। भगवान गणेश माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं और इन्हें समस्त सृष्टि में प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ भगवान गणेश का पूजन करते हैं या कथा श्रवण करते हैं तो भगवान गणेश का कृपा सदैव बना रहता है। भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए बुधवार के दिन इस दिन भगवान गणेश का पूरी विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। विशेष करके भगवान गणेश का इस दिन जल से उन्हें स्नान करवाना चाहिए, उन्हें पीला वस्त्र अर्पित करने चाहिए, यज्ञोपवीत चढ़ाना चाहिए। उसके बाद भगवान गणेश को अक्षत, चंदन और भगवान गणेश को सिंदूर अति प्रिय है तो उन्हें सिंदूर अर्पित करने चाहिए। दुर्वा दल भगवान गणेश को भी अति प्रिय है तो उन्हें दुर्वा दल साथ में चढ़ाना चाहिए। उसके बाद धूप और दीप दिखाते हुए भगवान गणेश को नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। विशेष करके भगवान गणेश को मोदक अति प्रिय है तो उन्हें मोदक का भोग लगाना चाहिए। गणेश स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आइए सुनते हैं बुधवार के दिन भगवान गणेश की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक समय एक भाई और बहन एक साथ रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना कभी खाना नहीं खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम काज करके अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर चली जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के वृक्ष के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी देखी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको मिले। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल की झाड़ियों में कांटे उसके पैर में चुभा कर उसी जंगल के रास्ते जाया करती थी। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा कि पैरों में क्या हो गया। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों में गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ गए हैं। तब वह वापस अपने घर जाए तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। तो भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियां को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे कि भगवान गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गणेश गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण को हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए बोली कि कहीं थोड़ी देर और रुक जाओ, उसकी बहन आने ही वाली है, वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। रोज दिन का तरह बहन अपने भाई का मुख देखे बिना कभी भी खाना नहीं खाती थी तो वह मुख देखने के लिए फिर उसी जंगल के रास्ते आ रही थी। तब जंगल में उसने देखा कि रास्ता साफ हो चुका है। तब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि भगवान सिद्ध विनायक की वह मूर्ति वहां से हटा दी गई है। तब उसने जाने से पहले भगवान गणेश जी को वहाँ एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान प्रदान किया और हाथ जोड़कर फिर भगवान गणेश से प्रार्थना करके बोली कि मेरा जैसा सुहाग अमर सुहाग सभी को मिले और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। फिर वह बोलकर आगे की ओर बढ़ चली। फिर भगवान गणेश सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब भगवान सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी कि बेटी इस खेजरी के साथ पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में धोकर भाई के ऊपर छींट मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर तब बहन जब पीछे मुड़ी तो वहां कोई भी नहीं था।
फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह सात खेजरी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा कि वहां कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी हुई रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम की तरह भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से कि मुझे बहुत गहरी नींद आ गई। तब बहन बोली कि यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। और उसने सारी बातें अपनी भाई को बता दी और भाभी को बताई। इस प्रकार भगवान गणेश का सभी परिवार मिलकर गुणगान करने लगे और सभी बुधवार का व्रत करने लगे। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, सिद्धि विनायक की जय। भगवान गणेश का पूजन करने वाले को इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल पिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके मन में संकल्प लेते हुए कि हे भगवान गणेश, आज मैं आपका पूरे श्रद्धा के साथ नियम व निष्ठा के साथ व्रत करने जा रहा हूँ, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार मन में संकल्प लेते हुए दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान गणेश का विधिवत पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश को विशेष करके उन्हें दुर्वा चढ़ाए। भगवान गणेश को सिंदूर अति प्रिय है, उन्हें सिंदूर चढ़ाए, उन्हें मोदक का भोग लगाए। इससे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त, जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ भगवान गणेश का पूजन करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, भगवान गणेश उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।